मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी परियोजना के नाम पर लोगों को मुआवजा दिए बगैर उनके घर तोड़े जा रहे हैं, जिसके चलते कई परिवार अब तक बेघर हो चुके हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के चलते गरीब लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं और पीड़ित परिवारों को ना तो मुआवजे की राशि मिल रही है और ना ही उन्हें रहने के लिए कोई जगह दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जवाहर चौक के पास गैस राहत बस्ती में 200 झुग्गियों को हटा दिया गया है। वहीं भोपाल में 12 नंबर प्रोजेक्ट भी अधूरा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के समय 200 परिवारों को वहां से हटाकर अस्थायी जगह पर शिफ्ट किया गया था और अब जब वहां बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है उसके बाद भी उन्हें मकान नहीं मिल रहे हैं। नगर निगम कोई प्लाट आ रहा है स्मार्ट सिटी का, उसके चक्कर में इनको यहाँ से हटाना चाहते हैं और हटाने में ये ले जाना चाहते हैं यहाँ के शेड से एक दूसरे शेड में। और ये जो 200 झुग्गियाँ हैं ये आई हैं 12 नंबर पे इंदिरा नगर झुग्गी बस्ती थी, इनको यहाँ शिफ्ट किया गया है 8 साल पहले और ये कह के शिफ्ट किया गया था कि आपको वहीं मल्टी में मकान दिए जाएंगे। वो मल्टियाँ फुल हो गई, इनके लिए जगह है नहीं, जबकि 20-20 हज़ार रुपये करीब 25 लोगों के जमा हैं कि भाई हमको वहाँ पे मल्टी में दिया जाए और ये इनके जो हक था वो हक मारा गया और इनको आप कह रहे हैं कि यहीं शिफ्ट हो जाओ, जब मकान कहीं मिलेंगे बनेंगे तब देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।